अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रिवाज के इस आईलाइनर का रिव्यू दूंगी, जो कि हाई डेफिनेशन है, HD आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है, ये जेल आईलाइनर है, प्योर मैट है, वाटरप्रूफ है। मुझे इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का है अंदर से। जब मैंने लिया था, मुझे 6 माह हो गए यूज़ करते हुए। उस टाइम इसके एप्लीकेशन और सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम समर सीज़न था तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी थी, अच्छा वर्क करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड हो गया है, और अब इसको अप्लाई करने में ज़रा मुश्किल होती है। और ये इसके अंदर इसके जो है ना पीसीस बन जाते हैं, ये स्मूथली अप्लाई नहीं होते। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मुझे भी इसके रिव्यूज़ अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने ये बाय किया। लेकिन अब मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो ये है कि ये इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, ये एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, और ये अदरवाइज़ ये वाटरप्रूफ है, HD है, मैट है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है ना वो स्मूथ नहीं है और ये हार्ड हो गया है। मे बी इसको हम अगर कोई सेकेंड मेथड से हीट कप हीट अप करके देखें तो शायद ये नॉर्मल अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। लेकिन इसकी जैसे कि रिवाज एक अच्छा ब्रांड है, तो इसका रिव्यू मैं ये दूंगी कि ये अच्छा रिज़ल्ट इसका नहीं रहा। इजीली ये अवेलेबल होता है, और इसके अलावा इसके अंदर एक ब्रश भी है। ब्रश मैं इसका यूज़ नहीं करती, मैंने अपना दूसरा लाइनर ब्रश लिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इसके अंदर इस तरह का एक ब्रश भी होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि मैं ये वाला ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना लाइनर ब्रश एक दूसरा रखा हुआ था, लेकिन ये लाइनर हार्ड हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो ये वाला ब्रश है ये भी अब क्लीन होने वाला है। इस पर एक लेयर बन गई है इसकी लाइनर की, क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट स्मूथ नहीं है। सो ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।